गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा गाइस आपके रिलेशनशिप में क्या है चेक करने वाली हूँ मैं। तो आज की इस वक्त की एनर्जीज को देखेंगे टैरो कार्ड में कि यदि आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी फैमिली का इशू है या कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जीज है, तो क्या थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी, क्या आप एक होंगे, क्या आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में वो पहले वाला प्यार, वो पहले वाली एनर्जीज, वो पहले वाला साथ आएगा, क्या वो पहले की तरह मैसेज करेंगे आपको, क्या वो पहले की तरह कॉल करेंगे आपको, क्या आप दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार कुछ होगा। इस चीज़ को, सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं टैरोट कार्ड में। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्या बात है भाई, आपके पर्सन की तो फीलिंग्स में एकदम लविंग एनर्जीज आ रही है, इसका मतलब साफ है, और फोर ऑफ सोर्ड्स भी है तो साफ कह रहे हैं टैरो कार्ड कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें परेशान कर रहा है आपके पार्टनर को। देख रहे हो आप, यहाँ पर खुद देख रहे हो आप कार्ड को, कार्ड में फोर ऑफ सोर्ड्स है और फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर यह भी कह रहा है कि पास्ट याद आ रहा है, पिछली बातें याद आ रही हैं, पिछला प्यार आ रहा है। पिछला प्यार से मतलब आपका साथ, जो आपने पहले साथ बिताया था, जो टाइम आपने एक दूसरे को दिया था, एक पास्ट में रिलेशनशिप था आपका, एक प्यार था, है ना, एक दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, कम्युनिकेशन अच्छा था, तो वो चीज़ें देख रहे हो इस वक्त। कितना ज़्यादा अकेलापन है ना, अकेलापन को देखो आप, फीलिंग अलोन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसके दिमाग में बहुत ही ब्यूटीफुल आपका साथ छोड़कर बड़ा हैप्पी नज़र आ रहा है, बहुत खुश है ना, या फिर और कहीं किसी और के साथ बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है अकेलापन, कार्ड के हिसाब से दिख रहा है स्ट्रेस, कार्ड के हिसाब से दिख रही है बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जीज, ओवर थिंकिंग, हर वक्त चिंता करना, हर वक्त स्ट्रेस करना, पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोचना, मिलने का मन करना, बात करने का मन करना, लड़ाई झगड़ा अगर है आपके बीच में, ऑन ऑफ हो रहा है, तो उसे ख़त्म कर देना, एक नई शुरुआत करना, मतलब टोटल एनर्जी जो अभी इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए दिखाई दे रही है वो है ये कार्ड। और आप इस कार्ड को अच्छे से जानते हो, द लवर्स का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद तुरंत लवर्स का कार्ड अगर आया है तो एक बात पक्की है कि जो जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो उसकी फीलिंग्स तो ट्रू है आपके लिए, कुछ तो ऐसा है जो उसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, आज भी उसकी मोहब्बत है ना। लेकिन ये भी मैं बोलूँगी, कुछ तो ऐसा है जो उसे आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो या तो नेगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी का कोई फियर है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मन में है, उन बातों को वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, या मन में कुछ बर्डन है किसी का, तो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि लवर्स के कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि फीलिंग्स में आज भी आप ही हो, प्यार में आज भी आप ही हो, पार्टनर के रूप में वो आज भी आप ही हो, रिलेशनशिप आज भी आपका ही, आपके लिए ही है, मतलब कहते ना कि कभी नहीं भूलेंगे, आपके साथ जो उनका जुड़ाव है, जो रिश्ता है वो इतना पक्का है कि आज आप दूर भी हो ना, आज आप बात भी नहीं करते हो ना, बट फिर भी आप लोग के बीच में एक फीलिंग्स ट्रू वाले एनर्जीज यहाँ पर ना गाइस दिखाई दे रही है द लवर्स के कार्ड के साथ, ठीक है। तो एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक ब्यूटीफुल ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। तो इंतज़ार बहुत कर रहे हो भाई आप, क्यों ना पेंटिकल में हो, क्यों ना पेंटिकल्स का इंतज़ार कब खत्म होगा भाई, देखेंगे। क्यों ना पेंटिकल बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है, इसका मतलब आप वेटिंग एनर्जीज में हो, और एवरीडे मुझे लग रहा है कार्ड के हिसाब से आप एवरीडे ना गाइस, एवरीडे आप इंतज़ार करते हो कि शायद आज के दिन कोई कॉल मैसेज आ जाए, रात को आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, एवरीडे रात को आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है अगर कॉल मैसेज नहीं आता है, लेकिन अगले ही दिन सुबह
एक उम्मीद फिर जागती है, ऐसा दिख रहा है कार्ड में। कितने लोगों को मेरी बात कनेक्ट कर रही है ये, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आज बताना ज़रूर, क्या ये मेरी बात आपसे रिलेट कर रही है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नाइट में उम्मीद ख़त्म होती है लेकिन अगले दिन सुबह सुबह आपकी उम्मीद फिर से वापस स्टार्ट हो जाती है कि आज तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कॉल मैसेज आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल इसी इंतज़ार में दिख रही है। और एक बात मैं ये बोलूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जीज है ना, वो ट्रू मोहब्बत वाली, ट्रू फीलिंग्स वाली एनर्जीज भी है। ठीक है, इसकी एनर्जीज में ट्रूनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का आप इंतज़ार कर रहे हो। तो चलिए, अभी पर्सन की एनर्जीज तो मैंने देख ही ली, आपकी भी एनर्जीज मैंने देख ली, और बल्कि मैं बोलूँगी कि ये इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना, उससे क्या होता है ना कि आपकी उम्मीद ख़त्म नहीं होती है। हर वक्त अगर कोई इंसान किसी के बारे में सोचता रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं मैसेज तो मिलेगा, बाय सोल मिलता है मैसेज गाइस, मिलता है। और आप अगर इस वक्त भी सोच रहे हो 24 आवर्स, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, याद आ रही है, या मिलने का मन हो रहा है, बात करने का मन हो रहा है, क्लियर करने का मन हो रहा है, चीज़ें ठीक हो करने का मन हो रहा है, हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि जैसे अभी बस बात कर लें, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स ही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपके पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, जिससे आपको साइन मिलता रहता है, और ये साइन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को उनके साथ कनेक्ट कर देता है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए भाई, जब आप भी राजी हो, मिलना चाहते हो, आपके पार्टनर भी मिलना चाहते हैं, लव का कार्ड आप दोनों के बीच में है, इससे बड़ी खूबसूरत बात और क्या होगी। आप खुद देखो, मैंने अभी इस कार्ड को साइड किया है, इस पर नज़र मत डालो, इधर कर दो, ये इधर देखो, यहाँ पर लव्स का गार्ड बीच में है, तो कितना खूबसूरत कनेक्शन दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में, है ना। तो यहाँ पर है डेथ का कार्ड, एक नई शुरुआत को भी बोल सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी है रिश्ते में, टूट चुका है रिश्ता, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक नई शुरुआत भी यहाँ पर दिख रही है। बट एनर्जीज आपकी स्टक हो रही है जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से, तो देखते हैं कि क्या है। क्यूनो वेंट्स ही मुझे सबसे ज़्यादा ना, इतने सारे कार्ड में इसी कार्ड पर मेरी एनर्जीज रुक रही है, मतलब मेरे को एनर्जीज इसी कार्ड से मिल रही है, क्यूनो वेंट्स के कार्ड से। कोई तो है, क्यूनो वेंट्स की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन, बहुत ही क्लेवर, और आपसे बहुत जेलिस फील होती है। अगर ये थर्ड पर्सन आपको जानता है तो आपसे बहुत जेलिसी, बहुत ज़्यादा जेलिसी है इसको, क्योंकि इसलिए और जालसी होती है क्योंकि आपके पार्टनर का ध्यान इनकी, मतलब आपके पार्टनर का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है, इनकी तरफ नहीं। पहले जालसी का कारण तो यहाँ पर ये है। दूसरा, अगर आपके पर्सन इनके साथ रहते हैं या फिर इनके साथ कोई कनेक्शन है या फिर इनके साथ कांटेक्ट होता है, तो ये कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बहुत ट्रू है और वो कभी नहीं बदलने वाली। ठीक है, कभी नहीं बदलने वाली, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है क्यून इवेंट्स को, और उसके अंदर एक जालसी फील होती है आपकी प्रोग्रेस से, आपकी पॉजिटिविटी से, है ना। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हो, कुछ ऐसी बात हो जिसमें क्यून इवेंट्स को लगता है कि भाई ये तो ज़्यादा, इनसे ज़्यादा अच्छा है, या इनसे ज़्यादा कंपेयर करते हो, इनसे ज़्यादा आप अच्छे हो, है ना। तो क्यून इवेंट्स को जालसी फील होती है, और उस वजह से क्यों इवेंट्स कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जाएं सेंड करती है, जिससे कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है। कुछ मिसगाइडेंस भी दिख रही है, तो मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ मिसगाइड कर दिया है आपके पार्टनर को, इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिया कि आपके पार्टनर जिस नज़र से पहले आपको देखते थे वो नज़रें ही चेंज हो गई हैं। ये सारा का सारा निगेटिव एनर्जी से हुआ है, मिसगाइडेंस से हुआ है, इस जिस वजह से आपको आपके रिलेशनशिप में एक अजीब सा प्रभाव देखने को मिलता होगा। हर टाइम पार्टनर की बेरुखी, इनका इग्नोर करना, उनका कभी मैसेज ना करना, कभी भी उनका कोई कॉल ना करना, कभी भी उनका कोई बात ना करना, इस चीज़ को बताता है कि कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जीज हैं, और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में है। क्योंकि फीलिंग्स तो आपके पार्टनर की दिख रही है भाई, है ना, फीलिंग्स तो दिख रही है कि प्यार तो अभी भी है, फीलिंग्स तो अभी भी हैं, बट
एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट लगातार बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। अब टू ऑफ सोर्ड्स पर भी आ जाते हैं हम। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या कह रहा है, मून की पोजिशन देखो पहले आप, तो मून की पोजिशन कितनी डाउन है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको रुला रही हैं पर्सन को, ठीक है, रुला रही हैं, मेंटली स्ट्रेस भी दे रही हैं, आपसे दूरियां बहुत रुला रही हैं। सबसे पहले चीज, आपसे दूर होना इनको बहुत रुलाता है, बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जीज अभी भी जो दिख रही है वो यहाँ पर बहुत परेशानी वाली दिख रही है, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा चिंताएं हो रही हैं, लेकिन मिलने का मन भी करता है, आपके साथ कमिटमेंट दिया है तो मैरिज भी चाहते हैं, बट किसी फसाओ को भी दिखा रहा है ये कार्ड, कि कोई फसाओ ऐसा है इनकी जिंदगी में जिस फसाओ से ये निकल नहीं पा रहे, निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फसाओ बहुत ज्यादा फस गया है, वो फसाओ है ना, वो फैमिली का भी हो सकता है कार्ड के हिसाब से, ठीक है, फैमिली भी हो सकती है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा उनको उनके साथ मतलब रिश्ता मतलब तोड़ने नहीं दे रहा है, या फिर एक फसाओ होता है, फैमिली हो सकती है, जो अपने फैमिली के अपने अलग व्यूज होंगे, पार्टनर पर्सन के अलग हैं आपके साथ रिलेशनशिप है, बट फैमिली के अपने ओपिनियन, तो ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अच्छा, पर्सन की फीलिंग्स क्या है, तो पर्सन की फीलिंग्स में मैं बोलूंगी कि अभी ना कुछ एक चेंज दिखाई दे रहा है, वो चेंज यहाँ पर दिख रहा है कि जो कुछ निगेटिव एनर्जीज थी ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हुई हैं, और पर्सन की भावनाएं आपके लिए जुड़ रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि इनके दिल में ना फिर से वही पॉजिटिविटी आ रही है आपको लेकर, और कहीं ना कहीं आपकी फोटोज को बहुत देखते हैं आपके पर्सन, शायद आपको बहुत पसंद करते होंगे, और ये भी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं थी वो नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से आपकी एनर्जीज रुकी हुई है, ये चीज भी दिख रही है, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट ले लेते हैं हम, और यहाँ पर मैं राशियाँ बोलूँगी आपको, तो वर्गो है, लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो है, पाइसिस है ना, एरीज है, तो ये यहाँ पर राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ नंबर्स बोल देती हूँ, आज नंबर 2 बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, नंबर 5 बहुत दिखाई दे रहा है, नंबर 8 भी दिख रहा है, और नंबर 2 बहुत दिख रहा है, बस यही नंबर दिख रहे हैं, नंबर 9 ऑल्सो, ठीक है। तो ये नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ अल्फाबेट बता देती हूँ, अल्फाबेट मेरे को R दिख रहा है, S दिख रहा है, Y दिख रहा है, N K M है, अरे बहुत ज़्यादा अल्फाबेट आ रहे हैं आज तो, क्या बात है, E है, D है, Z है, X है, O है, A है, ठीक है। तो ये अल्फाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भावनाएं आपके लिए बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, और वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। रही बात, हम देखेंगे थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी आपकी जिंदगी से, आपके रिश्ते से, तो भाई देखते हैं, एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर रख लेती हूँ मैं कार्ड, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है इसमें। चलो भाई देख लेते हैं, तो क्या दिया है एंजल ने हमें फर्स्ट कार्ड आज के दिन के लिए, इस वक्त क्या निकल कर आया है कि आपका पास्ट का पर्सन आपको बहुत मिस करता है, ठीक है। आपका जो भी पास्ट का पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, कहीं ना कहीं उसकी जो ऊर्जा आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आ रही है कि वो आपको मिस करते हैं, और हर टाइम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो वो आपको सोचते रहते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स चलती रहती हैं। देखो एक बात मैं और भी बोलूँगी, अगर ना आपके बीच में लगातार काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अगर आपके रिश्ते में हो रहा है कि थर्ड पार्टी आ गई है और डाउट है आपको, बट क्लियर नहीं है, है ना, लेकिन डाउट है, क्योंकि ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको आपके दिमाग में चल रहा है ना डाउट्स कि हाँ भाई कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो ये जो डाउट्स चल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा एकत्रित हो गई हैं, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बट मैं आपको ये भी बोलूँगी, कहीं ना कहीं पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज ना आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्लो में जा रही हैं, किसी की एनर्जीज, और वो बहुत मिस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं।
और पार्टनर को ना ये भी लग रहा है थोड़ा सा कि मतलब इनके और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पड़ रही हैं, तो एक तरीके से उन्हें बैड फीलिंग आ रही है कि भाई हमारे बीच में क्या हो रहा है, हर टाइम झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होती है, तो हमें अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए, अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए। तो एक तरीके से ना मतलब ये चीज़ें आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि रोज़ रोज़ के अनुभव से और इन चीज़ों से अब आपका एक तरीके से ख़त्म होने वाली है चीज़ें, एक अच्छी पॉजिटिविटी आने वाली है, परमानेंटली आप सेटल भी हो सकते हो इस वक्त, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो उनके मन में चल रहा है। आप देख रहे हो ना फर्स्ट कार्ड में यहाँ पर यही है कि अभी पिछले भी कुछ दिनों से पहले भी अगर आपके बीच में झगड़ा नोक नोक झोंक या ऑन ऑफ हुआ था ना, तो उसके बारे में भी कल रात बहुत सोचते रहे, बहुत सोचा उन्होंने, और उनको अब लग रहा है कि भाई हमें अपनी रिलेशनशिप पर ठीक से वर्क करना चाहिए, हमें अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो इन चीज़ों के को भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा और मूव ऑन तो कर भी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं, अगर ब्लॉक किया है उन्होंने, बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। और एज डिफरेंस दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि पूरी तरीके से कहीं कहीं दिख रहा है एंड होने वाली है। आप अपने पास्ट पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है, तो एंजल जो गाइडेंस दे रही है हम सिर्फ वही ले सकते हैं, तो किसी के लिए गाइडेंस आई हुई है कि पास्ट पर्सन से मिलने वाले हो, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहे हो, और अगर आपकी इनकी से मुलाकात नहीं हुई है बहुत लंबे समय से, आपको लग रहा है कि भाई हम तो मिले ही नहीं हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया हमारा तो कांटेक्ट नहीं हुआ, तो अचानक से मुलाकात का योग दिख रहा है गाइस, है ना, सडन मुलाकात हो सकती है, सडन कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, सडन कॉन्टैक्ट, सडन इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर ना गाइस बन रही है, तो एक सडन ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब आपका जैसे आपका रियूनियन होगा या आपकी मुलाकात, क्योंकि टाइम दिख रहा है कि आपका मिलने का टाइम है, क्योंकि पर्सन इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हैं जिसमें उनको ऐसा लग रहा है ना गाइस, पर्सन की जो करंट एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर ये भी कह रही है इस वक्त कि वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें ठीक करना है, ठीक कैसे करेंगे, हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो ना प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे हम मिलें, कैसे बात करें, किस तरह से प्लानिंग करें, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर बीच में है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए प्लान करना, बट वो प्लान कर रहे हैं, वो चाहते हैं मिलना, बात करना, और कोई अपने और आपको लेकर ना कोई बड़ा डिसीजन भी लेना ले सकते हैं। और वो आपको ये भी बोलेंगे, वो ना आपसे एक चीज़ में और भी बोलूंगी, मेरे को यहाँ पर ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आपके पर्सन ना आपसे श्योरिटी भी लेने वाले हैं कि भाई आप ये श्योर कर दो उनको कि आप उनका साथ जिंदगी भर दोगे, ऐसा नहीं करोगे कि वो सब कुछ छोड़ कर आए, सब रिश्ते तोड़ कर आए और आप जो है वो उनका साथ ना दो, तो वो चीज़ को भी वो यहाँ पर आपसे बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं। तो मैं पहले से आपको थोड़ा गाइड इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि जो जो दिख रहा है मुझे कि कल को आपकी मुलाकात हो, सडन कॉल आए मिलने के लिए बात करें, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ये भी बात करें कि भाई उनके और आपके बीच में चीज़ें कैसे ठीक हो, तो कितना रेजोनेट कर पा रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जनरल एनर्जीज में कितना रेजोनेट कर रहे हो आप, है ना, तो देखते हैं और क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर मैरिज को लेकर भी हो सकता है कि कोई ऑफर दे आपको, ठीक है, कमिटमेंट दे दे मैरिज को लेकर, क्योंकि शादी को लेकर भी बात करना चाहते हैं यहाँ पर। और देखिए हमारे पास तीन कार्ड आ चुके हैं गाइस इस वक्त, तीन कार्ड हैं और तीनों ही एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि बहुत जल्द कॉन्टैक्ट जुड़ने वाला है, बहुत जल्द बातचीत होने वाली है, और बहुत जल्द कुछ आपके बीच में डिसीजंस होंगे रिलेशनशिप को लेकर, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर स्टेबल होने का भी हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो और अगर सेपरेशन चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी जुड़ सकती है और कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आई होप कि वो डिसीजन पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव होंगे डेफिनेटली, वो कार्ड के हिसाब से लग रहा है कि पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आज इतने टाइम के ब्लॉकेज के बाद भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स में भी लव है जो कि हमें लव के कार्ड से पता चल रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो आपको और उनको अलग नहीं होने दे रहा, जोड़ रहा है ना, तो इसी को तो बोलते हैं ना गाइज डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन कनेक्शन ऐसे नहीं होता है खाली बातों से, डिवाइन कनेक्शन आपको खुद फील होगा, मैं बोलूँगी आपको ना कि आप दोनों डिवाइन हो, डिवाइन रिलेशनशिप में हो, है, और अगर आप कार्मिक हुए तो मैं कितना भी डिवाइन रिलेशनशिप बोलती रहूँ आपको आपको महसूस ही नहीं होगा, अगर लेकिन अगर आपका कार्मिक हुआ रिलेशनशिप तो भी आपको महसूस होगा, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं
हमारे अंदर कुछ तो है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। आज इतना दिन हो गए फिर भी हम अलग नहीं हो पा रहे। कुछ तो ऐसा है जो हमारी सोल उसके साथ कनेक्ट होती है। कुछ तो ऐसा है जो मुझे, मैं उसको याद करके रोने लगती हूँ, या मैं इसको याद बहुत ज़्यादा मन करने लगता है बात करने का, है ना। क्योंकि पहले तो आप बहुत ज़्यादा बातें भी करते थे, है ना, बट अब तो आपके बीच बात भी नहीं हो रही है और सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया है, ठीक है। लेकिन अब एक नई शुरुआत आपके बीच में होगी जो कि आप लवर्स के कार्ड के साथ दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए वही पहले वाली पॉजिटिविटी, वही पहले वाला प्यार वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी जो ये रीडिंग है वो कनेक्ट की होगी आज की। और अगर आप मुझसे पर्सनल तौर पर बात करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। वीडियो पर भी लिखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। नेम प्लेस आपको देना होगा, ठीक है। सो एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। और देखो, अंजल आपको आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और ये जो ब्लेसिंग है ना, ये बॉटम ऑफ द कार्ड में भी है। तो मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज की एनर्जीज आ रही है। मतलब कुछ चीज़ों में परिवर्तन दिखेगा आपको गाइस, ठीक है। कुछ चीज़ों में परिवर्तन दिखेगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आपके पर्सन ना किसी बात को लेकर बोल रहे हैं आपको कि वो आपके साथ कमिटमेंट तोड़ देंगे या रिलेशनशिप, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है टैरो कार्ड में। और जो वो अगर बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझ रहे हो आप अपने रिश्ते में कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज हैं, उनको आपको प्रॉपर चेक करवा कर कोई सॉल्यूशन करना चाहिए, उपाय, है ना। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, तो ईश्वर को नमन करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, एंड टेक केयर। बाय बाय।